बिहार और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में कोरोना वैक्सीन और टेस्टिंग को लेकर फैले भ्रम से आ रही गिरावट के बाद अब सपा सांसद ने आगे आकर उन लोगों से अपील की है जो इस वैक्सीन को लगवाने से डर रहे हैं। सपा सांसद ने विशेष रूप से मुस्लिम समाज के लोगों से कहा है कि इस इंजेक्शन से शरीर पर कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि आप और आपका परिवार सुरक्षित हो जाएंगे। सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने उन लोगों को आगाह किया है जो लोग पल्स पोलियो की दवाई का बहिष्कार करते थे, जिसके चलते उस मुहिम में 2 दशक से ज़्यादा लग गए और वो लोग आज कोरोना वैक्सीन के बारे में भ्रामक प्रचार करने में लगे हैं। दरअसल पिछले कुछ समय से ग्रामीण और मुस्लिम इलाकों में कोरोना टेस्टिंग और वैक्सीनेशन की रफ्तार बहुत धीमी हुई है, जिसके कारण संक्रमण की चेन तोड़ने में स्वास्थ्य विभाग को खासी परेशानी हो रही है। ग्रामीण इलाकों की बात करें या मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में लोग कोरोना टेस्टिंग और वैक्सीनेशन से परहेज कर रहे हैं। इस भ्रम और गलत प्रचार को दूर करने के लिए आज मुरादाबाद जिला प्रशासन के सामने स्वास्थ्य विभाग ने इस मुद्दे को उठाया है, जिस पर एडीएम सिटी भी गंभीर है और कई टीमें गठित करके विशेष रूप से मुस्लिम इलाकों में रहने वाले लोगों को टेस्टिंग और वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करने की बात कही है। तो वहीं मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन भी अब सामने आए हैं। उन्होंने उन लोगों को नसीहत दी है जिन्होंने पोलियो की दवाई के बारे में देश भर में भ्रामक प्रचार किया था। इसके लगने से नपुंसकता आएगी और बच्चे नहीं होंगे। सपा सांसद का कहना है कि ऐसे लोग समाज के दुश्मन हैं, वो अब भी लगे हुए हैं कि जिसके चलते ग्रामीण और मुस्लिम लोगों को कोरोना वैक्सीन को लेकर भ्रम बना हुआ है। यही कारण है कि वैक्सीनेशन सेंटर खाली पड़े हैं। सपा सांसद ने जोर देकर कहा है कि वे स्वयं कोरोना संक्रमित हो गए थे, क्योंकि वो एक डॉक्टर भी हैं, इसलिए लोगों को सलाह दे रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके वैक्सीन लगवाकर अपने परिवार को सुरक्षित कर लें। मुस्लिम बाहुल्य इलाके के ताजपुर माफी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर नाम मात्र के लिए लोग नजर आए। वैक्सीनेशन लगवा चुके वहाँ पर मौजूद एक बुजुर्ग व्यक्ति का कहना था कि कुछ लोग समाज को बरगलाते रहते हैं, वो लोग अनपढ़ लोगों को अपना शिकार बनाते हैं, जिसके कारण सरकारी योजनाओं को पूरा होने में अधिक समय लग जाता है। मेरा नाम सोहराब अहमद खान। कहाँ आए हैं, किस लिए आए हैं? मैं यहाँ मुगलपुरा प्रिंस रोड पर रहता हूँ और यहाँ हम वैक्सीनेशन के लिए आए। तो लगवाई क्या वैक्सीन? ये लगवा ली। एक समाज में एक भ्रम फैला हुआ है कि वैक्सीन से नुकसान हो रहा है या किस तरह का, क्या मानते हैं आपने वैक्सीन लगवाई है? एक सोसाइटी को क्या मानते हैं इस तरह का, क्या देखते हैं आप? तो लोगों को भ्रम तो देखिए, जब ये पोलियो की वैक्सीन लग रही थी जब भी कुछ ना कुछ लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा था और इसलिए उसे काबू करने में बहुत टाइम लगा, वरना बहुत जल्दी इससे हम निजात मिल जाती है हमें। ऐसी इसको कह रहे हैं भाई, ये तो सबकी भलाई की नहीं है ये सब काम, इसमें कोई ये नहीं कि भेदभाव हो, सारे इंसान बराबर हैं, तो जो होना है ऐसा होना नहीं चाहिए। मेरी उम्र 68 ईयर है तो मैं फिर भी आ गया हूँ और मेरा जो दामाद है वो प्रोफेसर है एएमयू में, उन्होंने भी मुझे कहा नहीं आप फौरन लगवाइए, और बेटी भी मेरी डॉक्टर है पीएचडी। तो अदर में ये जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, मैं समझता हूँ उनमें ज़्यादा भ्रम है। पढ़ लिखने के तो यही फायदा है कि अच्छी समझ आ जाती है इंसान। तो क्या मानते हैं सरकार की इस पहल को, जैसे सबको वैक्सीन लगा जा रही, फ्री लगा जा रही, क्या मानते हैं? मैं यहाँ आया तो मैं देख के हैरान हूँ। मैं सोच रहा था पता नहीं कितनी लंबी भीड़ होगी, कितने लोग होंगे, या धक्का मारामारी होगी, नहीं तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर, बहुत पीसफुल सब काम हो गया मेरा, कोई लाइन नहीं लगी हुई थी यहाँ पर, और लोग आ रहे हैं, फौरन काम हो रहा, अच्छा काम हो रहा, जिम्मेदारी से कर रहे हैं लोग, जो भी स्टाफ के लोग हैं। तो समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे आपकी, भाई सरकार किस तरह का कदम है सरकार का? ये सरकार तो देखा जाए तो बहुत अच्छा काम कर रही है और सभी को हमें चाहिए कि उसका और सहयोग करना चाहिए। जैसे तीसरी लहर आने वाली है, हाँ वो तो और भी डेंजर होगी। किस तरह देखते हैं आप, एक पेरेंट्स हैं आप, किस तरह देखते हैं तीसरी लहर को? अब उसमें मैं इस बारे में क्या बता सकता हूँ। नहीं तो लोगों को आगे आके दवाई लगवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए? फौरन लगवानी चाहिए, अभी से ही हमें उसका बंदोबस्त करना चाहिए। अगर तीसरी लहर या चौथी लहर आएगी तो अभी से हमें सिक्योर हो जाना चाहिए ना, कुछ ना कुछ तो बेनिफिट है इसका, ऐसी बात तो नहीं है कि सारी दुनिया पागल है, हम काबिल हैं। देखिए ग्रामीण इलाकों में लोग पता नहीं क्यों टेस्टिंग से और वैक्सीनेशन से डर रहे हैं,
हम जानते हैं कि इसका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। न जाने हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कितने लोगों की मौतें हो गई और जो अननोटिस्ड हो गई, पता भी नहीं चला और ये किस वजह से चले गए। आपको मुझे सब हकीकतें मालूम है कि क्या हाल हुआ हैगा शमशान घाटों का और क्या कब्रिस्तानों का। मेरी आप सभी से, ख़ास तौर से ग्रामीण इलाकों के लोगों से ये दरख्वास्त है, मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक डॉक्टर भी हूँ और मैं एक एक्सपीरियंस होल्डर भी हूँ। मुझे कोरोना हुआ क्योंकि मेरे अंदर एंटीबॉडीज थी, तो इसलिए मुझे पता भी नहीं चला कब कोरोना हुआ। मैंने इत्तफाकन अपना जांच करा ली तो पॉजिटिव आ गया क्योंकि मेरे अंदर एंटीबॉडीज थी। वैक्सीन का काम भी यह है कि बॉडी के अंदर, जिस्म के अंदर वो लड़ने की ताकत पैदा करती है कोरोना के ख़िलाफ़। और जिन लोगों को ये तजर्बा बता रहा है पूरी दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, कि जिन लोगों को वैक्सीन की पूरी डोजेस लग गई हैं, उनको अगर कोरोना हुआ भी है तो उनको अस्पताल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। इसमें कहीं से कहीं तक कोई ऐसी शिकायत नहीं मिली है कि जिससे कि वैक्सीन से नुकसान हो गया हो। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि कोई मजहबी इसके अंदर रुकावट भी नहीं है। हमारे तमाम ही मौलवी हजरात और मजहबी पेशवा लोग इसको लगवा रहे हैं और बता रहे हैं। उल्टी सीधी अफवाहें फैलाई जा रही हैं इस वैक्सीन के बारे में। इससे आपको, आपके परिवार को, आपके ख़ानदान को, आने वाले वक्तों में आपकी औलादों को, अगर खुदा ना खास्ता कोई आपके यहाँ से कमाने वाला ऊपर चला गया तो इन सब लोगों का क्या असर होगा। और हो भी रहा है, कितने बच्चे यतीम हो गए, कितनी लोग बेवा हो गए, कितनी माएँ परेशान हैं, कैसे उनका अब घर चलना है। कम से कम मेरी अल्लाह पाक से, उस पैदा करने वाले से, उस ईश्वर से ये दुआ है कि आप सब लोगों को बचाए रखें और आप सब लोग मिलकर एक ड्राइव चलाएं कि सब लोग अपनी वैक्सीनेशन कराएं ताकि कोरोना से निजात पा सकें। डॉक्टर साहब, इससे पहले बीमारी आई थी पोलियो की, जब भी ग्रामीण इलाकों में भ्रम फैलाया गया था, भ्रम फैला था, और अब आप अभी भी जब ये वैक्सीनेशन का काम ग्रामीण इलाकों में चल रहा है, अभी भी लोगों में भ्रम में है, तो भारत सरकार को आपकी क्या राय है, क्या राय देंगे? देखिए, पोलियो की वैक्सीन आई थी, उस वक्त ये भ्रम फैला दिया गया था कि जो वैक्सीन लगवा लेगा उसको औलाद नहीं होगी। सबके औलादें हो रही, अब तो बहुत सा अरसा हो गया, लेकिन जो भ्रम फैलाया जा रहा है, मेरी सरकार से ये दरख्वास्त है, मेरा ये सजेशन है कि ऐसे केसेस को दिखाएं जो उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी और जिनकी मौतें हो गई या जिनके हालात बहुत ख़राब हो गए, और उन केसेस को भी मीडिया में लेके आएं जिन्हें वैक्सीन हुई और कोरोना हुआ उन्हें पता भी नहीं चला। तो लोगों के अंदर ये एहसास होगा कि हमसे गलती हो रही है, हम किसी गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं। अपना बचाव करें, अपनी ज़िंदगी का बचाव करें, अपने परिवार का बचाव करें। तीसरी लहर आनी है, तीसरी लहर जो साइंटिस्ट बताएंगे बहुत ज़्यादा खतरनाक होगी, बच्चों के लिए खतरनाक होगी, इसमें क्या जनता से अपील रहेगी? और विशेषकर जो मुस्लिम हैं, आप भी मुस्लिम हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो भ्रामक उनके भ्रामक की अफवाहें हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे लोग? देखिए, तीसरी लहर आने का अंदेशा है और ये भी साइंटिस्ट मान रहे हैं कि बच्चों पे ये लहर ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। बच्चों को एक आदत डलवाइए कि वो बराबर अपने हाथ धोते रहें, बच्चों को आदत डलवाइए कि मास्क लगाए रहें। हालांकि बच्चे लगाते नहीं हैं बहुत देर तक, वो भी बार बार शैतानी में हटा देती हैं, लेकिन उनका ध्यान रखिए। और इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। बीइंग ए डॉक्टर, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बच्चों के अंदर मॉर्टेलिटी कम होती है, मौतें कम होती हैं, नुकसान ज़रूर होता है, परेशानी ज़रूर पड़ती है, लेकिन बच्चों के जिस्म को उस परवरदिगार ने, उस ईश्वर ने ऐसा बनाया है कि वो मुख्तलिफ मर्ज़ों से अपने आप लड़ने की ताकत पैदा कर देते हैं। मुस्लिम इलाकों में जो टीम पहुँच रही है, वहाँ से क्या रुझान आ रहा है? आप डॉक्टर हैं, सांसद हैं, जो बहुत सी जगह पर जो है टेस्टिंग नहीं हो रही है, अगर टेस्टिंग नहीं हो रही तो उनसे क्या अपील करेंगे? नहीं, टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं तो लोग अब टेस्टिंग को अवॉइड कर रहे हैं। मेरी तो सबसे दरख्वास्त है कि अगर आपका टेस्ट हो रहा है और टेस्ट में पता चल रहा है कि आपको कोरोना है, तो कम से कम आप अपने और लोगों को तो बचा लोगे, भले से आपको सिम्टम है या नहीं। टेस्ट ज़रूर कराएं, टेस्ट से थोड़ी कोई नुकसान हो रहा है। रूई का एक फाया है जो आपका
थूक का एक हिस्सा लेते हैं, उससे टेस्ट कर लेते हैं। इतनी ज़्यादा लोगों में दहशत इसकी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ अपने दिमाग से काम करें, अफवाहों पे काम ना करें। अफवाह फैलाने वाले आपके और देश के दुश्मन हैं। आपकी ज़िंदगी है, आप हैं तो देश है और हम सब हैं। आप खुदा ना खास्ता परेशान हैं या आप नहीं हैं तो फिर देश कहाँ है। तो इसलिए ध्यान दिए कि ऐसा ना हो कि ये बुरी तरह फिर फैल जाए और उसके बाद मारामारी हो जाए। इसी वक्त हमने बहुत झेल लिया। आगे के ख़तरों से आगाह करिए लोगों को, इसका बचाव करिए और यकीन जानिए कि इसके बचाव में सिर्फ वैक्सीन ही कारगर है। इंग्लैंड में उन्होंने सारे लोगों को वैक्सीन दिला दी, तो जिस वक्त सारी दुनिया में लॉकडाउन लगे हुए हैं, इंग्लैंड के अंदर बाज़ार खुले हुए हैं, होटल खुले हुए हैं, रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, बहुत से यूरोप के कंट्रीज़ में ऐसा है, इटली में भी ऐसा है, उन्होंने वैक्सीनेशन करा लिया, उन्हें तो कोई नुकसान नहीं हुआ। यही तो वैक्सीन वो भी लगवा रहे हैं जो हमारे देश में लगाई जा रही, जो हमारे वैज्ञानिकों ने डेवलप करी है। तो ये वैक्सीनेशन को लेकर के बैठक की गई थी, खासतौर पे बरबलान, घड़ी खाना, मियाँ कॉलोनी, नवापुरवा, रहमत नगर जैसे क्षेत्रों में वैक्सीन की स्थिति, वैक्सीनेशन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, उसी को लेकर के हमने एक बैठक की थी और कुछ लोगों को लगाया है ताकि वैक्सीनेशन किया जा सके जल्दी से जल्दी। अब वहाँ के लोकल लोगों के हम कॉन्टेक्ट करेंगे, एक छोटी सी मीटिंग बुलाएंगे और उनको मोटिवेट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो सके उन लोगों का। तो क्या इस तरह का भी निर्णय लिया गया है कि मोहल्लों में कैंप लगाए जाएंगे? हाँ बिल्कुल, इस तरह के भी डिसीजंस लिए गए हैं और हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन भी है। उनकी स्थिति उसकी सप्लाई को भी हम बरकरार रखेंगे, नियमित रखेंगे और उनको हम चाहेंगे कि कम से कम वेस्टेज हो गए और अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाया जा सके। सर अभी कुछ देर पहले मुख्यमंत्री द्वारा ये कहा गया था कि पत्रकारों के लिए विशेष कैंप लगाए जाएंगे, हाँ इसके संबंध में भी निर्णय लिया जा रहा है और दो चार दिन के अंदर आपको इसका भी रिजल्ट देखने को मिलेगा।